महोदय, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, आज हम मित्र राष्ट्र नेपाल के साथ हमारी जो सीमा जुड़ी है फोर लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ रहे हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, ये जो भी हमारी कनेक्टिविटी है फोर लेन की कनेक्टिविटी हो रही है। दिल्ली से मेरठ की दूरी 3 से 4 घंटे लगते थे, आज 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे बन गया, मात्र 45 मिनट में आप इस दूरी को पूरा कर सकते हैं। एयर कनेक्टिविटी, हर जिला मुख्यालय को फोर लेन के साथ तो पहले जोड़ा ही जा रहा है, बेहतरीन सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है, ब्रिजेज बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, युद्ध स्तर पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। एयर कनेक्टिविटी, आज देश के अंदर यूपी की एयर कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। आजमगढ़ में नेता विरोधी दल वहां से माननीय सांसद के रूप में रहे हैं, कुछ दे नहीं पाए, हम तो आजमगढ़ के बीच से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी निकाल दिए, वहां पे महाराज सुहेल देव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण भी कर दिए हैं और एयरपोर्ट की सौगात भी आजमगढ़ वासियों को दे रहे हैं। पहले से थे तो चलाया क्यों नहीं, चलाया क्यों नहीं, वो तो जान ही रहे हम व्यक्ति। अब आप देखिए, ट्रक को अगर जहाज बना रहे हैं तो मैं नहीं मान सकता भाई, क्योंकि आप समाजवादियों का कोई भरोसा नहीं है कि अब आप भैंस को गाय बना लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आप बड़े अजीब से वो है ना, इसलिए महोदय हम तो वो भी काम कर रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी, चित्रकूट एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ रहा है, सोनभद्र एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ रहा है, ललितपुर के लिए एयर कनेक्टिविटी की तैयारी की जा रही है, अलीगढ़ को, मुरादाबाद को, सहारनपुर को, हमने तो मेरठ के लिए भी एनओसी मांगी है। ये सभी एयरपोर्ट जब एक बात चलेंगे, उत्तर प्रदेश के पास आने वाले समय में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे, अगले 1-1.5 वर्ष के अंदर आप देखना 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 21 एयरपोर्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट को मिलाकर के कुल 21 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे। 17 के पहले क्या था, 17 के पहले केवल 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी, और आज देश के प्रदेश के अंदर 80 गंतव्यों के साथ सभी 9 एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह क्रियाशील हैं। 9 एयरपोर्ट, गोरखपुर भी है, आंशिक था, एक फ्लाइट कभी कभी आ जाती थी, पूरी तरह नहीं था, लेकिन आज ही सब हुआ, आज चल रहा है, हम लोग कार्य भी कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार का लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है, आवागमन सरल हुआ है, सहज हुआ है, लोगों को आसानी से इसकी सुविधा का लाभ मिल रहा है, हम लोग उन चीजों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ आज जब निवेशकों को प्राप्त हुआ है, हर निवेशक आज इस चीज को स्वीकार करता है कि हाँ, उत्तर प्रदेश अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, लैंड बैंक दे रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश ने सिंगल विंडो का निवेश मित्र पोर्टल हो, चाहे एमओयू के लिए निवेश सारथी के रूप में अपना पोर्टल दिया हो, चाहे ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम को आगे बढ़ाने का कार्य किया हो, ये सभी कार्य आज उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। हर व्यक्ति आज आकर के उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है, उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में आगे बढ़ रहा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप देश की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो हर उत्तर प्रदेश के लिए यह गौरव की बात होनी चाहिए और हम उस दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।